हेलो कॉमग्रेड फैमिली, सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी सिंस 1991। 1991 से बैंकिंग और मॉनिटरी पॉलिसी क्या रही है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स थे। प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक सिंस 1991। बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक 1991 से किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है उनकी वो देखें। सो यहाँ पर बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक इन 1969 इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। अब देखो कोई भी कंट्री होती है, उसकी इकोनॉमी है, उसको ग्रो करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए उसको डेवलप किया जाता है। तो जैसे डेवलपमेंट को प्लान किया गया था 1969 में, यहाँ पर ये बोला है कि 14 कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर नेशनलाइज हुई थी एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। दिस कल्मिनेटेड इन द नेशनलाइजेशन ऑफ अनदर 6 मेजर बैंक इन 1980 और 1980 में फिर और 6 बड़ी कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर आई, उनका नेशनलाइजेशन हुआ। द पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी जो होती है हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक, as they have come to be known, played an important role in the economy, development of the economy by providing banking facility in remote, unbanked and underbanked areas, extended credit facility to many marginalized section of the community. अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो जानी जाती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी इकोनॉमी का, वो बैंक से जिस तरीके से डेवलप हो रहा है तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो पीएसबी है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये क्या करती हैं, ये बैंक की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है एंड जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पर बैंक जो है ये कैसे वर्क करती है, रिमोट और अनबैंक, ठीक है, अंडर बैंक एरियाज में यहाँ पर वर्क करती है। इन 1998 द कमिटी ऑन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म चेयरमैन एफ नरसिम्हन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द मेजर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। 1998 में क्या हुआ, एक कमेटी थी जिसमें बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म के बारे में जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की एंड उसमें ये मेजर्स किए गए, क्या क्या मेजर्स रिक्वायर है, मतलब क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप वहां पर लिए जा सकते हैं, तो उसकी वहां पर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। ये होते हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द रिफॉर्म आर बेस्ड ऑन नॉन डिस्ट्रप्टिव प्रोग्रेस एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस बाय सेटिंग अप मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द बेनिफिट ऑफ इफिशियंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब रिफॉर्म जो है वो किसके बेस पर होते हैं, नॉन डिस्ट्रप्टिव प्रोग्रेस के ऊपर, कि प्रोग्रेस जो है वो नॉन डिस्ट्रप्टिव होनी चाहिए, कंसल्टेटिव प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए वहाँ पर, और एक मैकेनिज्म वहाँ पर सेट किया जाता है। मैकेनिज्म का मतलब एक पूरा प्रोसेस सेट किया जाता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी बेनिफिट है, उसकी इफिशिएंसी है, उसको इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है, एंड जो भी सिस्टम है उसको स्टेबल रखा जाएगा, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। द फर्स्ट मेजर इन द बैंकिंग रिफॉर्म इज द एबोलिशन ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन रेगुलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या क्या मेजर्स आए, अभी बताया कि जो रिपोर्ट सबमिट की थी कि हम क्या क्या मेजर्स यहाँ पर ला सकते हैं बैंकिंग सेक्टर को और बेटर बनाने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा मेजर है बैंकिंग रिफॉर्म में वो यहाँ पर बोला है कि एबोलिश किया गया ब्रांच एक्सपेंशन रेगुलेशन को, कि जो ब्रांच होती है किसी भी बैंक की उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना, उसको हटा दिया, बढ़ाने को हटा दिया। द कमर्शियल बैंक आर नाउ अलाउड टू सेट अप न्यू ब्रांचेस वेयर एवर दे वांट। अब क्या है, द कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर सकती है, उनको ये अलाउ है कि वो नई ब्रांचेस जब भी चाहे जहां भी चाहे वो ओपन कर सकती है। द आरबीआई एबोलिश रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्ट rate on all deposit and loans except the export credit, saving bank and NRI deposit। यहाँ पर क्या बोला कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, उसने एबोलिश कर दिए सारे रेस्ट्रिक्शंस जो भी इंटरेस्ट रेट पर लगे हुए थे, कि जो भी सारे डिपॉजिट्स हैं, जो भी लोन्स हैं, क्योंकि बैंक जो है वो किस लिए होती है, बैंक में जो भी पब्लिक है वो अपना डिपॉजिट करती है, ठीक है, एंड जब भी उसको जरूरत होती है वो विड्रॉ कर लेती है। अब बैंक जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और उसको जो है दूसरी जगह लेंड कर देते हैं, ठीक है। अब कोई बोरोवर है उसके लिए लोन हो गया, ठीक है, बैंक लोन दे रही है और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन थे इंटरेस्ट रेट पर उनको एबोलिश कर दिया गया। अब किसको छोड़कर, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट का नहीं किया गया, सेविंग बैंक्स एंड एनआरआई डिपॉजिट, ये तीन चीजें इसमें नहीं आती हैं। ये तीन चीजों को छोड़कर बाकी सबके इंटरेस्ट रेट के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको एबोलिश कर दिया गया। एंड देन नेक्स्ट है द पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी वर अलाउड टू एक्सपैंड देयर कैपिटल बेस थ्रू प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन। अब इसमें जो रिफॉर्म आए उसमें ये बोला गया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अपना जो कैपिटल है उसको एक्सपैंड कर सकती है, अपनी कैपिटल को बढ़ा सकती है, किसके द्वारा, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा, कि पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट करे, पब्लिक डिपॉजिट करे या जो भी जिस भी तरीके से पब्लिक इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू वो अपने कैपिटल को बढ़ा सकती है। एंड देन नेक्स्ट द आरबीआई हैज सेट अप बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएसएफ in 1994 to provide direction on regulatory policies and supervisory practices in an integrated manner। आरबीआई भी सेंट्रल बैंक है तो सारी चीजें जो करती है वो आरबीआई करती है, एंड देन कमर्शियल बैंक को वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या सेटअप किया, एक बोर्ड सेटअप किया, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएसएफ 1994 में। किस लिए सेटअप किया, ताकि एक जो भी पॉलिसीज हैं उनको एक डायरेक्शन दिखा सके, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके और उसमें सुपरवाइजरी प्रैक्टिस देखी जा सके एक तरीके से, ठीक है। सुपरवाइजरी मतलब कि जो भी चीजें हो रही हैं उनको सुपरवाइज करना, चेक करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। एंड डायरेक्शन है कि भाई जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको किस तरीके से चलाना है, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है ये आरबीआई ने बनाया था, किस लिए बनाया था समझ गया। तो ये रिफॉर्म्स होते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर के। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक सिंस 1991। 1991 से जो है कमर्शियल बैंक की किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। Indian commercial bank sector has been spectacular expansion in number of branches, volume of deposit, credit created and other parameters। आप देखो भाई जैसे जैसे population बढ़ रही है, जैसे जैसे time change हो रहा है उस हिसाब से सारी चीजें change होती हैं, ठीक है। तो 1991 के time बहुत सारी चीजें अलग थी एंड आज के time में बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो क्या improvement आए हैं, क्या progress banks ने की है, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा number ब्रांचेस उसकी बढ़ गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं, ग्रोथ हुई है बैंक्स की, और जो डिपॉजिट था डिपॉजिट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएट हुआ है एंड बहुत सारे ऐसे ही पैरामीटर्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। हाउएवर दिस प्रोग्रेस वाज नो विदाउट इट्स प्रॉब्लम। ये प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है इसकी प्रॉब्लम से, ठीक है। एंड वी शैल नाउ एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑन द कमर्शियल बैंक। अब जो रिफॉर्म्स आए थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम देखें। नंबर ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया बाय ओनरशिप 1991 टू 2012, यहाँ ये पीरियड लिया गया है 2012 तक का। सो यहाँ पर ईयर हम देखते हैं 1991 में, 2012 में आपको एक टेबल शो हो रही है। स्केड्यूल बैंक जो थी, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, वो कितनी थी, 104 थी, 104, एंड ये 84 हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक कम हो गई है। स्टेट बैंक ग्रुप 8 थी, अब 7 हो गई है, एंड नेशनलाइज्ड बैंक 20 थी, 19 हो गई है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक 25 थी, 15 हो गई, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक 9 थी, 7 हो गई, फॉरेन बैंक्स 42 थी, 36 हो गई। अगर आप डेटा देखोगे तो इस डेटा में क्या शो हो रहा है कि भाई 1991 से 2012 तक जो बैंक्स आई हैं, जो प्रोग्रेस हुआ है उनका, वो किस तरीके से हुआ है, बैंक्स के जो नंबर हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डेटा गिवन है कि कमर्शियल बैंक जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस की है 1991 से। कमर्शियल बैंक क्या होती है भाई, हमारे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी बैंक्स जो है हमारी वो कमर्शियल बैंक के अंदर आती है। एंड सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होती है कंट्री की, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की जो बैंक है, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड यहाँ पर गिवन है अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स परफॉर्मेंस इज द रिस्क वेटेड कैपिटल टू एसेट रेशियो, आरसीए, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको बताया गया है। इंडिकेटर मतलब कि जिस चीज से हमें कमर्शियल बैंक की परफॉर्मेंस शो हो, ठीक है, कि जो कमर्शियल बैंक है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो होता है रिस्क वेटेड कैपिटल टू एसेट रेशियो। ये एक रेशियो नेम आपको गिवन है RCAR। दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे एंड जो कमर्शियल बैंक्स थी उनकी कैसे प्रोग्रेस हुई है 1991 से। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने देखा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं एंड कमर्शियल बैंक की प्रोग्रेस 1991 से किस तरीके से हुई है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। द नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।